सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल आरएस मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फहरिस्त भी किसी कंजूस शख्स की तरह सिकुड़ती जा रही है, उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि महफिल भी धीरे धीरे ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के जिस तरह एक डैम से पानी बहते बहते थोड़ा पीछे पीछे होता है, लेकिन नीचे जो होते हैं तो वो मोती गुहरे नायाब रह जाते हैं, इसी तरह मेरी फहरिस्त में अभी ऐसे ऐसे सितारे हैं जिन पर पूरे बुलढाणा ज़िला नहीं बल्कि पूरी कायनात अदब फख्र करती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे शोराए कराम यहाँ मौजूद हैं जिनमें एक नाम जनाब रियाज अनवर बुल्लानवी का भी आता है, जिनका अभी सिलेबर चौथी जमात की किताब में एक नज़्म शाये हुई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अहम मकाम रखता है कि हमारे ज़िले का हमारे इलाके का वो शायर जो पूरे हिंदुस्तान में उर्दू अदब की किताबों में जिसकी नज़्म पढ़ाई जा रही है, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब रियाज अनवर बुल्लानी साहब। मैं उन्हें इन चार मिसरों से आवाज़ देता हूँ कि चराग ही ने उजालों की परवरिश की है, चराग ही से उजाले सबूत मांगते हैं, हम अहले दिल हैं हमारी वफा परस्ती का, वतन को बेचने वाले सबूत मांगते हैं। इस्तकबाल करें ज़ोरदार तालियों से जनाब रियाज अनवर बुल्लानवी। एक वक्त भी बहुत उछला है, एक ताज़ा गज़ल आप सभी अहले ज़ौक़ की नज़र जी इस गुजारिश के साथ कि आप गौर से सुनेंगे इरशाद अली के मतलब देखिए कि चलना गलत है तान के सीना ज़मीन पर। अरे क्या अच्छा है, चलना गलत है तान के सीना ज़मीन चलना पर। गलत है तान के सीना ज़मीन तान पर। के सीना ज़मीन पर होता है सर गुरूर का नीचा ज़मीन पर। अरे बाबा बाबा चलना गलत है तान के सीना ज़मीन पर होता है सर गुरूर होता है सर गुरूर का नीचा ज़मीन पर। बहुत अच्छा है सब। और ये शेर देखिए सलीम भाई आपकी तवज्जो जी के दुनिया के रंग मंच पे किरदार अपना क्या दुनिया के रंग मंच पे किरदार अपना क्या, एक सीन मुख्तसर सा है करना ज़मीन पर। बहुत अच्छे भाई बाबा दुनिया के रंग मंच पे किरदार अपना क्या, एक सीन मुख्तसर सा है करना ज़मीन पर। और ऊंचा उड़े फलक पे तो ठहरोगे कितनी देर, क्या कहने ऊंचा उड़े फलक पे तो ठहरोगे कितनी देर, थक हार कर पलट के है आना जमीन पर। बहुत अच्छे भाई बाबा ऊंचा उड़े फलक पे तो ठहरोगे कितनी देर, थक हार कर पलट के है आना जमीन पर। और मुफ्ती साहब के शान खुदा अजीब है, मुजीब सर शान खुदा के शान खुदा अजीब है, बख्शे शहीद को शाने खुदा अजीब है, बख्शे शरीफ को बख्शे शहीद को गिरने से कब्ल खून का कतरा जमीन पर। शाने खुदा अजीब है, बख्शे शहीद को शाने खुदा अजीब है, बख्शे शहीद को गिरने से कब्ल खून का कतरा जमीन पर। और पूछा है हाले हुस्ने सनम जब तो फिर सुने, वाह 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 पूछा है हाले हुस्ने सनम जब तो फिर सुने, गोया फलक से चांद है उतरा जमीन पर। बहुत अच्छे भाई वाह वाह पूछा है पूछा हाले हुस्ने सनम जब तो पूछिए उतरा है गोया फलक से चांद है उतरा जमीन पर। और शेर देखिए के मौत व हयात का हमें समझाए फलसफा, मौत व हयात का हमें मौत व हयात का हमें समझाए फलसफा,
गिरता है जब भी शाख से पत्ता जमीन पर, मौत व हयात का हमें समझाए फलसफा, गिरता है जब भी शाख से पत्ता जमीन पर। बहुत अच्छे भाई। और कब्रों के उनके आज निशानात भी नहीं, कब्रों के उनके आज निशानात भी नहीं, चलता था जिनके नाम का सिक्का जमीन पर। कब्रों के उनके आज निशानात भी नहीं, चलता था जिनके नाम का सिक्का जमीन पर। बहुत अच्छे। मक्ता के होना है कामयाब तो अनवर रहे ख्याल, क्या कहने, होना है कामयाब तो अनवर रहे ख्याल, बेहतर है एतेदाल का रास्ता जमीन पर, बेहतर है एतेदाल का रास्ता जमीन पर। वाह वाह वाह। और एक सहले मुमतना में एक छोटी सी गजल तवज्जे चाहूंगा। जी जी चल। के सच सुने वो, सच सुने वो, उनकी आदत तो नहीं। क्या बात है, क्या कहने है? सच सुने वो, उनकी आदत, उनकी आदत तो नहीं। वाह। झूठ बोलू मेरी फितरत तो नहीं। अरे वाह वाह वाह। सच सुने वो। अरे वाह वाह वाह। उनकी आदत तो नहीं। झूठ बोलू मेरी फितरत तो नहीं, मेरी फितरत तो नहीं। वाह वाह वाह। और हो चला है अमन क्यों मफकूदा वो। क्या जुबान है, जो हालात है हमारे। हो चला है अमन क्यों मफकूद अब, रहनुमाओं की शरारत तो नहीं। क्या बात है। हो चला है अमन क्यों मफकूद अब, भाई साहब शेर हो गया भाई, क्या कहने। है अमन क्यों मफकूद अब, रहनुमाओं की शरारत तो नहीं। क्या कहने। और रुख दमक उठे हैं मेरी हार पर, रुख दमक उठे हैं मेरी हार पर, नहीं रुख दमक उठे हैं जो अहबाब के, रुख दमक उठे हैं जो अहबाब के, हार पर मेरी मसर्रत तो नहीं, हार पर मेरी मसर्रत तो नहीं। और ये भी शेर देखिए कि दिल में नफरत का ताफुन जो भरे, दिल में रागिब है, दिल में नफरत का ताफुन जो भरे, वो गिलाजत है सियासत तो नहीं। क्या कहने हैं। वाह वाह। दिल में नफरत का ताफुन जो भरे, वो गिलाजत है सियासत तो नहीं। बहुत अच्छे। और जंग है हालात से जारी मगर, जंग है हालात से जारी मगर, लब पे किस्मत की शिकायत तो नहीं, लब पे किस्मत की शिकायत तो नहीं। और राबता उससे करूं मैं क्यों बहाल, राबता उससे करूं मैं क्यों बहाल, उस जफाजू में मुरव्वत तो नहीं। राबता उससे करूं मैं क्यों बहाल, उस जफाजू में मुरव्वत तो नहीं। और रूट बैठे तुम सवाले वस्ल पर, अरशद भाई जी जी बिल्कुल, रूट बैठे तुम सवाले, सवाले वस्ल, वस्ल पर, इश्क में ये विस्ल, इश्क में ये, इश्क में ये वस्ल बिदत तो नहीं। तुम रूट बैठे तुम सवाले वस्ल पर, रूट बैठे तुम सवाले वस्ल पर, इश्क में ये वस्ल बिदत तो नहीं। और रूठ बैठे तुम सवाले वस्ल पर, इश्क में ये वस्ल बिदत तो नहीं। और पास पास रिश्तों का भी अनवर कब रहा, पास रिश्तों का, पास रिश्तों का भी अनवर कब रहा, उफ ये आसारे कयामत तो नहीं। क्या बात है। वाह वाह। पास रिश्तों का भी अनवर कब रहा, और उफ ये आसारे कयामत तो नहीं। ये एक गजल मैंने यहाँ बैठे बैठे लिखी, वैसे मेरे मैं सुनाता भी नहीं कहीं ज़्यादा, लेकिन ये गजल सुनाने की वजह है, आपके दो चार मिनट लूँगा, के बज्मे तरह करके ग्रुप है रागी भाई हमारे यहाँ के, बहुत मशहूर ग्रुप है जी जी। और उस ग्रुप की खासियत ये है कि उसमें बड़ा मुश्किल मिसरा दिया जाता,
और मिसरा देने के बाद उस पर कहीं 15 दिन हर शायर के ऊपर बहस चलती। मिसरे के काफ़ी बहुत तंग है, मोहसिन नकवी का मिसरा है। मैं लिखता तो बहुत हूँ लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे वक्त कम मिला, मैं लिख नहीं पाया। और एक उसमें मजबूरी ये भी थी कि मिसरा भी मुश्किल था, तो मैं यहाँ बैठा तो यहाँ मुझे काफ़ी वक्त मिल गया, तो मैंने उस पर कुछ सलीम भाई ख़ास तवज्जो चाहूँगा आपके कि उस पर मैंने कुछ शेर मौजू किए हैं, नज़र सानी में कर नहीं सका। यहाँ शोरा जो मोतेवर बैठे हैं, अगर कोई इसमें खामी रह गई हो तो मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं उसको देख नहीं सका, ये कागज़ अभी रफ़ी लिखा हुआ मेरे पास। मिसरा ऐसा था कि एक दिया अंधी हवा को खुद शनासी दे गया, एक दिया अंधी हवा अंधी हवा को खुद शनासी दे गया। शायद मोहसिन नकवी का मिसरा है और इसमें काफ़ी नहीं बहुत तंग है वो। तो देखिए बस, यानी ये शोरा के लिए है कि भाई मैं अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब हूँ, कि सुनिए मतलब जी तवज्जो चाहूँगा कि गुलशने अकदार को, गुलशने अकदार को कैसी उदासी दे गया, गुलशने अकदार को कैसी उदासी दे गया, जिंस का हिजान जन को बेलिबासी दे गया, जिंस का हिजान जन को बेलिबासी दे गया, और हो बुरा इस सादगी का बारहा लूटे गए, हो बुरा इस सादगी का बारहा लूटे गए, रफ्ता रफ्ता तजरबा मर्दुम शनासी दे गया, रफ्ता रफ्ता तजरबा मर्दुम शनासी दे गया, और गुम हुए हम जात में अपनी खुदा को भूल कर, गुम हुए हम जात में अपनी खुदा को भूल कर, ये अना का रोग ऐबे ना सिपासी दे गया, ये अना का रोग ऐबे ना सिपासी दे गया, और छीन लेने के लिए हैं क्यों भला अशरार, क्या बात है, मैं कुछ लफ्ज भूल गया इसमें, ताजा है ना। हाँ, छीन लेने के हैं कहाँ क्यों भला अशरार, छीन लेने के हैं कहाँ क्यों भला अशरार अब हमको आईने वतन जो हक असासी दे गया, छीन ले सजा आ जाइए, इनको भगाओ, इनको गोश्त मत खाने दो, इनको अजान मत देने दो, इनको नमाज मत पढ़िए, तो हमको आईने सारे हुकूक हासिल हैं। कि छीन लेने के हैं दर पे क्यों भला अशरार अब, हमको आईने वतन जो हक असासी दे गया, और मोतबर समझा जिसे उससे मिले जख्मी जिगर, मोतबर समझा जिसे उससे मिले जख्मी जिगर, चैन दिल का छीन कर वो बदहवासी दे गया और उस जफाजू में कमी अनवर वफा की थी बहुत, उस जफाजू में कमी अनवर वफा की थी बहुत, की तलब हमने ज्यादा वो जरा सी दे गया, की तलब हमने ज्यादा वो जरा सी दे गया।